नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। बात करते हैं नेचुरल गैस की। ये आपकी स्क्रीन पर ये नेचुरल गैस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और एक की एक्सपायरी कल हम देखेंगे और एक की एक्सपायरी जिसकी हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे, ये वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है 25 जून को जिसकी एक्सपायरी है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में अगर आपको रहे कि ये 143 रुपये का रेट किस कॉन्ट्रैक्ट का चल रहा है, तो वो क्लियर करने के लिए मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि 143 रुपये रेट है ये 25 जून के कॉन्ट्रैक्ट का जो अभी ट्रेड हो रहा है। लगभग 6 बज रहे हैं इस टाइम, और तो आप इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, उसी को लेकर हम बात करेंगे। और ये 15 मिनट का कॉन्ट्रैक्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है इस कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, इसे लेकर हम बात करते हैं। इसको बनाने का वीडियो मकसद मेरा एक ही है कि इस वीडियो में जो दो लेवल मुझे समझ में आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल हैं, जिसे आप बाइंग में भी यूज़ कर सकते हैं, सेलिंग में भी। ठीक है, जब तक ये मार्केट रेंज में है, ये एक रेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक ये उसके बीच में है, तब तक आप इसमें से पोजीशन अवॉइड करें, या फिर जो भी आपकी पोजीशन है आप उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस बना के रखें। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इसमें एक सपोर्ट हमें देखने को मिला है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये बहुत लंबी रेंज है एक किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट लेने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ से इसे ब्रेक करना नीचे को थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, पर मैं आपको यहाँ पर सेलिंग नहीं करवा रहा। इस लेवल पे सेलिंग आपकी होनी चाहिए 144, जब ये ब्रेक करता है उसके नीचे ही आपकी सेलिंग होनी चाहिए, और वो सेलिंग हो सकता है आपकी थोड़ी सी लंबी चले, 130 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएं अगर 140 से ब्रेक करता है। और अगर ये इन केस ब्रेक करने में थोड़ा अपने आप को असफल महसूस करता है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर आप 145.50 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 140 को ही मान के चलेंगे, जब तक कोई नया स्टॉप लॉस मैं आपको ना बता दूं, या फिर आपको खुद ऐसा ना लगे कि अब स्टॉप लॉस कुछ और होना चाहिए। 145.50 जैसे ही ब्रेक होगा तो आपकी पोजीशन जो है वो बाइंग की ही होनी चाहिए। अगर आप सेलिंग की तब भी पोजीशन रखते हैं तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ, मतलब मैं ये कहूँगा थोड़ा सा क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि इसे सपोर्ट इन लेवल पे बहुत ही ज़्यादा मिला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से ये सपोर्ट मिला और मार्केट यहाँ से टर्न करना शुरू कर दिया, मार्केट ने टाइम लिया है इन लेवल्स पे। आप खुद देख सकते हैं कि ये मार्केट यहाँ पर आया, कितनी देर तक ये यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, इसके नीचे कंसोलिडेट हुआ, और ये जो फेज था ये धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ये इसे ऊपर लाता गया और यहाँ तक ले आया। ठीक है, इसके बाद ये जो मार्केट अब जो ओपन हुआ है वो यहाँ ट्रेड कर रहा है। इस देखिए, ये एक रैली थी, अब वहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग आई, एक रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर आ गया। अब अगर फिर से ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपका जो ट्रेंड है नेचुरल गैस का वो मतलब एक और काफ़ी छोटे टाइम के लिए बाइंग में आ जाएगा, और सिर्फ वो बाइंग में आना ही एक मेजर रीज़न नहीं है, उसके बाद मेजर रीज़न ये भी है, ये जो इतना लंबा जो इसे ये सपोर्ट मिला है, इसे ब्रेक करना कितना मुश्किल होगा कितना नहीं, वो फिर आगे का ट्रेंड बताएगा कि कितनी स्पीड से ये मार्केट ऊपर को जाना शुरू करता है या फिर वहाँ पर कंसोलिडेट करता है, वो थोड़ी देखने की चीज़ होगी। आइए थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं, एक घंटे का। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सेलिंग प्रेशर इसमें अभी भी बना हुआ है, जब तक ये इस लेवल को ठीक से ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें हम देखेंगे कि इन लेवल्स पे सेलिंग बार बार आएगी, जब तक ये इसे सक्सेसफुली ब्रेक नहीं करता। और अगर ये ब्रेक करता है तो अगला जो थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ कहीं होगा, ये 150 के अराउंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसे एक सपोर्ट मिलना शुरू हुआ था, तो वही अब इसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। तो 145.50 के ऊपर अगर आप 150 तक का लेवल बहुत इजीली देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको सोचने का, निकलने का, प्रॉफिट बुक करने का, हर चीज़ का टाइम भी मिलेगा, और मार्केट फिर आपके फेवर में कितना जाता है कितना रहता है वो सारी सिचुएशन जो है वो तब आपके फेवर में होगी। डिसीजन फिर आपको लेना होगा कि अब आपको क्या करना है, मार्केट में बने रहना है, निकलना है, पार्शली निकलना है, या क्या करना है। ठीक है, इन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। 140 अगर ये ब्रेक करता है, आज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो एक सेलिंग भी हम देख सकते हैं। वो सेलिंग देखिए, एक रीज़न और होता है उस सेलिंग को आने का, कि जो दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच का जो गैप होता है,
मार्केट उसे भी कवर करने की कोशिश करता है। आप मेरी बात को थोड़ा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच का जो गैप होता है, मान लीजिए अभी का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 130 पे चल रहा है, नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट 140 पे चल रहा है, ठीक है, इन दोनों का जो गैप है वो 10 रुपये का है। अगर आज मार्केट आज और कल में नेचुरल गैस ऊपर आकर बंद होती है, मतलब 140 के आसपास, तो मार्केट में एक बाइंग का मोमेंटम हम देख सकते हैं। पर अगर मार्केट यहीं पर क्लोज़ हो जाता है, कल तक भी 130-132 के लेवल में ये करंट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज़ हो जाता है, तो ज़्यादा चांस इसके होंगे कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है फिर उसके पास जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो इसे कंटिन्यू रखना होता है अपने आप को वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में रखना होता है। देखिए, मतलब सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है, वो कॉन्ट्रैक्ट अलग है, पर मार्केट थ्योरी यही है कि जो स्पॉट मार्केट है उसका लेवल कभी चेंज नहीं होता। स्पॉट मार्केट का लेवल जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट पास आता रहेगा उसकी एक्सपायरी, वैसे वैसे इनकी वैल्यू स्पॉट मार्केट की और फ्यूचर मार्केट की वो कम होती रहे, मतलब उसका जो गैप है वो कम होता रहेगा। ये आप थोड़ा सा अगर इस चीज़ के बारे में जानते होंगे तो शायद आपको मेरी बात समझ में भी आ रही होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर कहीं एक्सपायर होता है तो चांसेस ये होंगे कि हम कल या परसों से ही इसमें सेलिंग भी देख सकते हैं। अब वही होगा कि अगर 140 का लेवल ये अगर ब्रेक करता है तो 30 के आसपास तक के लेवल फिर इस पे सपोर्ट मिलेगा। तो नेचुरल गैस में ये चीज़ हम देख रहे हैं, इस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, और ऊपर में जाता है तो 150 तक का लेवल हमें देखने को मिलेगा, और फिर फाइनली हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल मैंने आपको बताया नेचुरल गैस में, आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा इन्हें। थोड़ा यहाँ नज़र डालते हैं, ये देखिए अभी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो रही है, कल एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ये जो गैप अप गैप डाउन देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये इसलिए है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए ये थोड़े गैप आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसे हम थोड़ा वैलिड मानकर, इसको बेस मानकर इस पर हम फोकस कर रहे हैं। 140 का लेवल क्रूशियल है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो ब्रेक होता है सेलिंग आ सकती है काफ़ी अच्छी, आपको और ज़्यादा नीचे के लेवल मिल सकते हैं। तो यही था मेरा कहने का इस नेचुरल गैस के वीडियो में, और किसी चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए, कौन सी ऐसा स्टॉक है, कोई शेयर है, कोई कमोडिटी है, कोई क्रिप्टो करेंसी है, कोई करेंसी है जिसमें आपको आपकी पोजीशन है या जिसे आप वॉच करते हैं और लेवल्स आपको समझना है, या कुछ भी आपको एनालिसिस आपका क्या है, किसी और का भी समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं उस पर वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, धन्यवाद।